खबर बिहार से है, जहां आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने 24 के लिए 24 जन वचन जारी किए हैं और तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, गरीब बहनों को 1 लाख की मदद दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भी वादा किया गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा, राज्य के लिए अलग से स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया गया है। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बने तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में, पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये आपको बता दें कि आखिरकार इस घोषणा पत्र में क्या वादे किए गए हैं। तो आरजेडी की ओर से यह घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी सालाना, 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी और गरीब बहनों के खाते में 1 लाख की मदद होगी, यानी हर महीने बताया जा रहा है करीब करीब 8,000 रुपए आएंगे सालाना, अगर देखा जाए तो फिर 1 लाख रुपए बनता है, और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, और साथ ही पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसे भी लागू कर दिया जाएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और बिहार के लिए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का भी यहां पर ऐलान किया जाएगा अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है। क्योंकि ये जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है ये तभी मुमकिन है जब केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बने, जिसके घटक दल आरजेडी है, क्योंकि सिर्फ 23 सीटों पर ही फिलहाल आरजेडी चुनाव लड़ रही है 40 में से बिहार के। अब बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री होगा, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएंगी, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू की जाएंगी, ऑन ड्यूटी डेथ पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, 10 फसलों पर MSP देंगे, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, 5 नए एयरपोर्ट बनाएंगे और पूरे देश में स्वास्थ्य अधिकार भी दिया जाएगा। तो वहीं आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू ने भी हमला बोला है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि 23 सीट पर लड़ने वाले देश का एजेंडा सेट कर रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद जी के राजकुमार तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया, तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं, अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा मां, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति। इसलिए पूरे तौर पर यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनैतिक रूप से नाबालिग है। अब तेजस्वी ने आज मैनिफेस्टो रिलीज किया है। इस वक्त तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। नवादा में तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे चाचा नीतीश की गारंटी लेकर दिखाएं कि वो पलटेंगे नहीं। इसके साथ ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें एक फैसले पर टिके रहना चाहिए। जब लात मार के भाजपा के एमएलए आए, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे कि भाजपा वाला हमारा पार्टी तोड़ रहा था, और सही में तोड़ रहा था। पूछिए मुकेश सहनी जी के, बताइए उनके साथ है, इन्हीं की वजह से सरकार बना और इन्हीं का पटिया तोड़ दिया विधायक लोगों को खरीद के भाजपा वाला। अब नीतीश जी गर्दम भयभीत हो गए भाई, ये तो हमारे पीछे लगेगा, हमारे तोड़ेगा, तो हमारे पास आए माफी वाफी मांगा। हाँ बोले चाचा छोड़िए ना, आप बुजुर्ग हैं, सबसे बड़ा पार्टी मेरा है, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है,
देश के संविधान की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी, तो जो त्याग ना होगा तेजस्वी त्याग करने का काम करेगा, लेकिन अपने लोकतंत्र को बचाएगा। देश भर में हम और चाचा हम लोग घूम घूम करके इंडिया गठबंधन मनाए, और बाद में चाचा जी पलट गए, पलट गए तो पलट गए, लेकिन इज्जत है, सम्मान है, बुजुर्ग है, लेकिन चाचा जी से एक एक बात है कि भाई जहां रहिए अस्थिर रहिए, एक बार चुन लीजिए, फैसला ले लीजिए, अब हेने उन्हें ढूंढलाइए मत, फुटबॉल मत बनिए, है कि नहीं? अब इस उम्र में शोभा देता है, इस उम्र में तो नहीं शोभा देता है। बोला कि आप इनको रोडेस में भेजिए, भाषण मत दिलवाओ, कहीं गलती से फिर महिला वाला बात बोल देंगे तो और गड़बड़ा जाएंगे रे भाई। इन लोगों का क्या तालमेल है, एक बार ओथ लेता तो बनता है 5 साल के लिए, आई 3.5 साल राज्य सरकार का हुआ, नवंबर में अगला साल चुनाव है, 1.5 साल बाकी बा, आई 3 साल में 3 बार ओथ ले लिए, गजब हाल है भाई, गजब है। तो मोदी जी बड़ा तू चिल्ला चिल्ला के कहत रहना,